अच्छा, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें रिटाइनल वास्कुलाइटिस भी एक कॉम्प्लिकेशन है, ये भी हमें एक पोस्टीरियर यूवेइटिस में एक लेशन मिलती है। तो इस फिगर में देखिए रिटाइनल वास्कुलाइटिस दिखाया गया है, तो एक क्लासिकली ये प्रेजेंट करता है एक एज अ पेरीफ्लेबाइटिस की तरह, यानी वो कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें हमें थिक एग्जुडेट नज़र आएगा अराउंड द रिटाइनल वेन्स, ठीक है, इन वेन्स के अराउंड थिक एग्जुडेट, तो उसके नतीजे में रिटाइनल हेमरेज हो जाएगा और रिटाइनल इन्फार्क्शन हो सकता है। तो वास्कुलर ऑक्लूजन जो है विथ एक्सटेंसिव इस्कीमिया वो प्री रिटाइनल या डिस्क न्यूवास्कुलराइजेशन करवा सकती है, जो कि आगे जाके रिजल्ट करेगी रिटाइनल एंड विट्रस हेमरेज के अंदर, ठीक है, इससे फिर रिटाइनल एंड विट्रस हेमरेज वजह से हो सकती है, अगर मतलब बहुत ज़्यादा वास्कुलर ऑक्लूजन होता है हो जाए और फिर एक्सटेंसिव इस्कीमिया हो जाए, तो उससे क्या होगा, पेरी रिटाइनल या डिस्क की न्योवास्कुलराइजेशन हो जाएगी जो कि रिटाइनल एंड विट्रस हेमरेज करवा देगी। अगली कॉम्प्लिकेशन है सब रिटाइनल एब्सेस, तो सब रिटाइनल जो एब्सेसेस हैं ये एज आउटकम होते हैं ऑफ द लिक्विफैक्शन ऑफ द केजिएटिंग नेक्रोटिक ग्रेन्युलोमा, उसी ग्रेन्युलोमा की जो है लिक्विफैक्शन हो जाएगी जो कि बर्स्ट कर सकता है और रिजल्ट करेगा इन एंड ऑफ थैल्माइटिस एंड पैन ऑफ थैल्माइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो बाकी मैनिफेस्टेशन हैं टीबी की वो आ जाती हैं, आईलिड की, आईलिड में नोड्यूल या आईलिड पस हो सकता है पेशेंट को, कंजक्टाइवा में फ्लाइसेंचुलोसिस, कॉर्निया में इंटरस्टिशियल कैराटाइटिस, फ्लाइसेंचुलर कैराटोकंजक्टिवाइटिस, इसके अलावा स्क्लेरा में स्क्लेराइटिस हो सकता है। तो डायग्नोस अब हमने कैसे करना है, इसमें जो लैब टेस्ट होते हैं उसमें याद रखिएगा माइक्रोबायोलॉजी में हमने एक तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को स्पूटम से आइसोलेट करना है, कैसे, स्पूटम स्मीयर से हम ज़ेल नेल्सन स्टेन के थ्रू इसको आइसोलेट करेंगे, तो हम डायग्नोस करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुआ। इसके अलावा नंबर टू हम एंटीरियर चैम्बर का जो फ्लूड है या विट्रस ह्यूमर है उसको भी हम सैंपल को यूज़ कर सकते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए विया द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, उसका पीसीआर करेंगे। इसके अलावा ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी किया जाता है जिसमें हमें पता है कि इंट्राडर्मल हम इंजेक्शन देते हैं 0.1 ml से लेके, यानी 0.1 ml 1:1000 स्ट्रेंथ का ट्यूबरकुलिन PPD होता है और उसको मेजर करते हैं हम, जो स्किन में फिर इंड्यूरेशन हो जाएगी उसको हम 48 to 72 hours के बाद मेजर करेंगे। पॉजिटिव होगा ये टेस्ट अगर ये इंड्यूरेशन 10 mm से ज़्यादा है, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा है, उससे एक्सीड कर जाए तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं जिसमें इंटरफेरॉन गामा रिलीज असे IGRA आइग्रा, ठीक है, इंटरफेरॉन गामा रिलीज असे, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है जिस तरह स्किन टेस्टिंग है 80% केसेज में इन द एक्टिव डिजीज, ये आइग्रा किया जाता है, यानी इसमें ये होता है कि जो इंटरफेरॉन गामा है ना ये टी लिम्फोसाइट्स जो है उसको रिलीज़ करेंगे इंटरफेरॉन गामा को, जब वो टी लिम्फोसाइट्स किसी स्पेसिफिक एंटीजन को एक्सपोज होते हैं, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के जो बेसिला है उसके एंटीजन से एक्सपोज होगा तो वो रिलीज़ करेगा, तो इससे हम कंफर्म करेंगे। इसके अलावा टेस्ट में हम आइसोलेशन भी करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की फ्रॉम द एक्वस एंड विट्रस सैंपल, PCR करेंगे ताकि हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के DNA को डिटेक्ट करें फ्रॉम द एक्वस एंड विट्रस सैंपल, उसके DNA को हम PCR करके डिटेक्ट करेंगे। चेस्ट एक्सरे भी किए जाते हैं या HRCT हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ताकि हमें हाइलर जो लिम्फ नोड्स हैं वो मिलें या फिर इनलार्जमेंट उन हाइलर लिम्फ नोड्स के, या पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट मिलें और कैविटेशन, ठीक है, चेस्ट एक्सरे या हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी के थ्रू। OCT जो ओक्यूलर कोहेरेंस टोमोग्राफी होती है ये मैक्यूलर एडिमा के लिए और कोरियो रिटाइनल लेशंस को डिटेक्ट करने के लिए करेंगे। FFA एक्टिव जो कोरोइडल लेशंस होंगी, यानी फंडस फ्लोरोसेंस एंजियोग्राफी एक्टिव जो कोरोइडल लेशंस होंगी वो हमें अर्ली हाइपर फ्लोरोसेंस शो करेंगी विथ लेट लीकेज। इसके अलावा ICG कोरोइडल लेशंस जो होंगी वो हमें अर्ली एंड लेट स्टेज दोनों की हाइपर फ्लोरोसेंस शो करेंगी, उसमें सिर्फ अर्ली ही हो रही है और लेट लीकेज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों अर्ली और लेट में हाइपरफ्लोरोसेंस मिलेगा ICG में, यानी इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी में, ठीक है। तो अब ट्रीटमेंट क्या है कि प्रोलॉन्ग्ड मल्टी ड्रग थेरेपी इसमें रिक्वायर्ड होती है, इसके अलावा टॉपिकली हम सिस्टमिक स्टेरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि टिश्यू का जो डैमेज इन्फ्लामेशन की वजह से हुआ है उसको रिड्यूस किया जा सके टॉपिकली सिस्टमिक स्टेरॉइड्स के साथ। नेक्स्ट आता है अगला टॉपिक हमारे पास सार्कोइडोसिस। डेफिनेशन देखिए सार्कोइडोसिस क्या होता है, ये असल में एक क्रोनिक डिजीज़ है जो कैरेक्टराइज हुई है किसमें मैनिफेस्टेशंस हमें नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेटरी फोकाई की मिलती है किसी भी पार्ट या ऑर्गन ऑफ बॉडी में, बनेंगे उसी तरह टीबी की तरह के ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेटरी फोकाई बनेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसमें नॉन केजिएटिंग है, ठीक है, केजिएशन नेक्रोसिस हमें नहीं मिलती।
तो इटियोलॉजी क्यों हो रहा है? सारकोइडोसिस का कॉज अभी तक अननोन है। 0.1% पॉपुलेशन को ये डिजीज़ अफेक्ट करती है। फीमेल्स को ज़्यादा बनस्पत मेल में 3rd to 6th डिकेड ऑफ लाइफ में कॉमन है और फ्रीक्वेंटली ब्लैक्स को ज़्यादा अफेक्ट करेगी बनस्पत वाइट के 10:1 के लिहाज से। और प्रेजेंटेशन इसकी एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी। क्लिनिकल फीचर्स में हमें कुछ ऑफ्थैल्मिक मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं। ऑक्युलर मैनिफेस्टेशन 25-70% ऑफ सारकोइड पेशेंट्स में होती है, जिसमें उसको एंटीरियर यूवियाइटिस होगा। उसमें उसको ग्रैनुलोमेटस एंटीरियर यूवियाइटिस, याद रखिएगा, बहुत ही कॉमन मैनिफेस्टेशंस है। ठीक है, इस फिगर में भी देखें 12.26 में ये मटन फैट केराटिक प्रेसिपिटेट्स नज़र आ रहे हैं, ये ग्रैनुलोमेटस एंटीरियर यूवियाइटिस हो गया है। ठीक है, ये एक एंटीरियर यूवियाइटिस में हमें ऑक्युलर मैनिफेस्टेशन मिलेगी। इसके अलावा एंटीरियर यूवियाइटिस में अक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस जो है ना, टिपिकली अक्यूट ऑनसेट की सारकोइडोसिस में होता है। ठीक है, और क्रोनिक एंटीरियर यूवियाइटिस, याद रखिएगा, वो टिपिकली ग्रैनुलोमेटस विथ मटन फैट केराटिक प्रेसिपिटेट्स के साथ जो है, और आयरिस की नोड्यूल्स के साथ हमारे पास क्रोनिक एंटीरियर यूवियाइटिस होगा, जबकि अक्यूट वाला टिपिकली अक्यूट ऑनसेट के सारकोइडोसिस में। अब जो इसमें जो है, अगर ये फिगर देखें हम ए में, इसमें हमने ये देखे, और बी फिगर में भी देखें, तो इसमें हमने कहा नोड्यूल्स भी क्रोनिक में हो रही हैं, तो ये कॉपी नोड्यूल्स हमें मार्जिन ऑफ द पीपल पे मिल रही हैं, आयरिस नोड्यूल्स। इवन ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो है वो भी हमें नोड्यूल्स शो करता है इसमें। इसके अलावा इंटरमीडिएट यूवियाइटिस जो है उसमें हमें विट्रस सेल्स मिलेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट वाले में विट्रस सेल्स होंगे, स्नो बॉल्स और स्नो बैंकिंग जो हम पढ़ के आए, जबकि पोस्टीरियर यूवियाइटिस में क्या होगा कि मल्टीपल कोरियो रिटाइनल नोड्यूल्स होंगी, मल्टीपल कोरोइडल और रिटाइनल ग्रैनुलोमा। ठीक है, इस फिगर में भी देखें तो इसमें नहीं, सॉरी, इस फिगर में देखिए ये रिटाइनल ग्रैनुलोमा दिखाए गए हैं। अच्छा, ये वाला जो फिगर, ये कॉपी नोड्यूल्स और ये वस्का नोड्यूल्स हमें इसमें मिलती हैं एंटीरियर यूवियाइटिस में, जबकि अभी हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर यूवियाइटिस की, जिसमें हमें मल्टीपल कोरियो रिटाइनल नोड्यूल्स मिलती है। तो इस फिगर में दिखाई गई है ये कोरियो रिटाइनल नोड्यूल्स, ये मल्टीपल कोरोइडल और रिटाइनल ग्रैनुलोमास हैं एक्चुअली। ठीक है, छोटे छोटे से। और इसके अलावा पोस्टीरियर यूवियाइटिस में पेरीफ्लेबाइटिस क्या होता है, ये येलोइश या ग्रे वाइट पेरीवीनस पैची शीथिंग की तरह अपीयर करता है, जिसको हम कैंडल वैक्स ड्रिपिंग कहते हैं। ठीक है, और ये आपने याद रखना है कि सार्कोइड पेरीफ्लेबाइटिस में बहुत ही कॉमन है। तो इस फिगर में देखिए, ये हमें रिटाइनल पेरीफ्लेबाइटिस नज़र आ रही है। ये असल में होती क्या, जैसे ये कैंडल होती है उसमें से वैक्स जो है वो ड्रिप करता जाता है, तो इस तरह की कैंडल वैक्स में जिस तरह ड्रिपिंग हो रही होती है ना, इसी तरह यहाँ पे पेरीफ्लेबाइटिस में क्या हो रहा है कि येलोइश या ग्रे वाइट कलर के पेरीवीनस पैची शीथिंग हो गई है। ये देखें, शीथ हो गई है, बन गई है वेंस के ऊपर, वेंस के अराउंड। और पोस्टीरियर यूवियाइटिस में इसके अलावा हमें ऑक्लूसिव पेरीफ्लेबाइटिस भी मिलता है, ऑक्लूड कर देगा। और सिस्टोइड मैक्युलर इडीमा बहुत ही कॉमन कॉज है इसमें, जो रिड्यूस विजन का कॉज बनता है, सिस्टोइड मैक्युलर इडीमा। ठीक है, उसके बाद है कि हमें इसके अलावा कोरोइड न्यूवास्कुलराइजेशन भी मिलेगा इसी पोस्टीरियर यूवियाइटिस में, कोरोइड की न्यूवास्कुलराइजेशन हो जाएगी। अब ऑप्टिक डिस्क में क्या चेंजेस मिलेंगे कि ऑप्टिक डिस्क स्वेल कर जाएगी। इसमें देखें, ऑप्टिक डिस्क की इडीमा हो गई है, उसके ग्रैनुलोमा की वजह से जो है इसकी स्वेलिंग हो गई है। ठीक है, क्योंकि डिस्क में ग्रैनुलोमा बन गया है। और पेपिल इडीमा भी मिलेगा हमें, क्योंकि CNS की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। बाकी क्या ओक्युलर मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, आईलिड में नोड्यूल्स मिल सकती हैं, इवन कंजक्टिवा में नोड्यूल्स हो सकती हैं, और लैक्रिमल ग्लैंड की भी इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्राई आई हो जाएगी, लैक्रिमल सिक्रीशंस अफेक्ट हो सकती है। अब हम आते हैं सिस्टेमिकली। तो सिस्टेमिक में याद रखिएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है 80-90% इसमें अफेक्ट होता है। पैरेन्काइमल हमें चेंजेस मिलते हैं, और दोनों साइड्स पे बायलेटरली हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिलती है। ठीक है, सार्कोइडोसिस में स्किन 15% अफेक्ट होती है, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है बेसिक पैथोलॉजी में भी कि एरिदमा नोडोजम हो जाता है, रेड टेंडर एलिवेटेड सी लेजन स्पेशली स्किन पे होती हैं, और कुटेनिस ग्रेनिलोमास बनते हैं सार्कोइडोसिस में। CVS 5% पेशेंट्स में अफेक्ट होता है, उनको पेरिकार्डाइटिस, कार्डियोपैथी, कार्डिक एरिदमियाज और कार्डिक फेलियर होता है। CNS 5% अफेक्ट होगा, जिसमें एसेप्टिक मेनिंजो एनसेफेलाइटिस हो सकता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 5% अफेक्ट होगा, जिसमें क्रेनियल पालसीज, क्रेनियल नर्व की पालसी बहुत ही कॉमन जो है 7th नर्व की, और इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मायोपैथी हो सकते हैं। 5% किडनी को अफेक्ट करेगा, स्टोन्स क्योंकि इसमें हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है इस वजह से। जॉइंट्स में 2% जो है ये आर्थराइटिस हो सकता है, और ग्लैंड्स स्वेलिंग किसी भी लैक्रिमल ग्लैंड में हो सकती है, सलाइवरी ग्लैंड में, पैरोटिड और सबमैंडिबुलर में। ठीक है, इसकी सारी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन है ओक्यूलर के बाद।
अब हमने क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, तो डायग्नोसिस ज़्यादातर हम क्लिनिकली करते हैं, लेकिन ये सपोर्ट होता है कुछ इन्वेस्टिगेशंस की मदद से, जिसमें हम एक तो नंबर वन ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये हमें एलिवेटेड मिलता है, और ये हमें पता है कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनसे प्रोड्यूस होता है, जो डिराइव होते हैं फ्रॉम रिसेंटली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस इन ग्रेनुलोमा, यानी ग्रेनुलोमा है उसके अंदर जो अभी अभी एक्टिवेट हुए हैं मैक्रोफेजेस, उनसे जो एपिथेलियल सेल्स ड्राइव होंगे उनमें से ये सीरम का एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस होता है, तो वो हमें एलिवेटेड मिलता है, ठीक है। और सीरम में कैल्शियम भी जो है सार्कोइडोसिस में एलिवेटेड होता है, इसलिए ब्लड टेस्ट में हमें मिलेगा, और सी रिएक्टिव प्रोटीन भी रेज्ड मिलेगा। इमेजिंग जब हम करेंगे, चेस्ट एक्सरे करवाना होता है, वो हमें 90% से ज़्यादा केसेस में एबनॉर्मल मिलेगा सार्कोइडोसिस में। हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी जो चेस्ट है वो भी यूज़फुल होता है उन केसेस में जहाँ पे चेस्ट एक्सरे अगर नॉर्मल आ रहा है, तो हम HRCT करेंगे। MRI ब्रेन की और ऑर्बिट की जाती है सार्कोइडोसिस में। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पैट स्कैन जो होता है ना, ये एक्टिव एरियाज जो हैं इन्फ्लामेटरी फोकाई के, जहाँ जहाँ पे एक्टिव एरियाज हैं उनके लिए हम पैट स्कैन करते हैं। देन आता है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टेस्ट में हमने याद रखिएगा बायोप्सी करनी है, ट्रांसब्रैंकियल, एंडोब्रोंकियल या कंजक्टाइवल बायोप्सी करेंगे हम, जो कि हमें टिपिकल नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा रिवील करेगा, या जो नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा है ऑफ होल्स ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स जो कि सराउंड कर रहे होंगे मल्टी न्यूक्लिएट जायंट सेल्स को, वो हमें इस बायोप्सी में रिवील होंगे। ब्रोंको एल्वियोलर लवाज BAL ये अब हम कर सकते हैं हिस्टोलॉजिकली, ताकि हमें लिम्फोसाइटोसिस डिटेक्ट होगी, शो होगी इसमें, और हाई CD4 CD8 रेशियो के साथ लिम्फोसाइटोसिस। FFA में हमें इस्कीमिया और लीकेज मिलेगा, यानी फंडस फ्लोरोसन एंजियोग्राफी, ठीक है, जो कि एक इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है। तो इसमें जो है हम रिटाइनल और कोरोडल सर्कुलेशन की एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी वगैरह चेक करते हैं, तो उसमें हमें इस्कीमिया और लीकेज मिलेगा। अब ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, तो एंटीरियर और इंटरमीडिएट वाली जो यूवियाइटिस है उसको याद रखिएगा कि हम ट्रीट करते हैं एज अ इडियोपैथिक इन्फ्लामेशन, ठीक है, इडियोपैथिक इन्फ्लामेशन की तरह हम ट्रीट करते हैं। और जो पोस्टीरियर यूवियाइटिस है उसको हम ऐसे सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स देके ट्रीट करेंगे, जो अभी डिस्कस किया। तो अब रिटाइनल जो न्यू वास्कुलराइजेशन हो रही है उसके लिए हम इंट्रा विट्रियल यानी विट्रस के अंदर एंटी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर देंगे, और जो सिस्टोइड मैक्युलर इडीमा हो रही है उसके लिए टॉपिकली NSAIDs दिए जाते हैं, ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट आता है टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, विच इज़ दी वेसेट्स डिजीज़। वेसेट्स डिजीज़ होता क्या है, ये असल में क्रॉनिक मल्टी सिस्टेमिक डिजीज़ होती है, जिसमें रिकरेंट बार बार एपिसोड्स आते हैं एपिथिस ओरल अल्सर्स के, ठीक है, मुंह में जो है छाले बन जाते हैं, जेनाइटल अल्सरेशंस भी होती हैं, और यूवियाइटिस होता है पेशेंट को। तो इसके रिकरेंट एपिसोड्स, ये मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, क्रॉनिक होती है, इसको हम वेसेट डिजीज़ कहते हैं। इडियोपैथिक है, इसकी एटियोलॉजी नहीं पता, और स्ट्रॉन्गली ये HLA लेकिन B51 के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, HLA-B27 हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया, अब यहाँ पे जो है B51 के साथ एसोसिएशन है। प्रिवेलेंस याद रखिएगा कि इस ये हाईएस्ट इसके प्रिवेलेंस है अलोंग द एंशंट सिल्क रूट, यानी जैसे टर्की, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, ये जो सिल्क रूट है यहाँ पे, जहाँ पे 0.4% जो पॉपुलेशन है अफेक्टेड हो सकती है। तो टिपिकली यंगर लोगों को, एडल्ट्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है वैसे डिजीज़, मेल्स इसमें ज़्यादा अफेक्ट होते हैं देन फीमेल्स, और इसमें जो है मेल्स ऑफन उनको ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होती है। ब्लैक्स जो है वो याद रखिएगा रेयरली अफेक्ट होते हैं। किस तरह होती है ये वैसे डिजीज़, असल में इम्यून मेडिएटेड वास्कुलाइटिस ही इसका की पैथोग्नोमिक कंपोनेंट है। वास्कुलाइटिस हो रही है लेकिन इम्यून मेडिएटेड, और ये इन्फ्लामेशन वेसल्स की स्मॉल और मीडियम, लार्ज, इसके अलावा लार्ज भी हमारी वेन्स एंड आर्टरीज दोनों को अफेक्ट कर रहा है। हिस्टोलॉजी के लिए जब हम देखेंगे ना, तो हमें इसमें सिस्टेमिक पेरीवास्कुलाइटिस मिलेगा वेसल्स के अराउंड, जो न्यूट्रोफिलिक और लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन के साथ होगा, या लिम्फोसाइटिक या न्यूट्रोफिलिक। एंडोथेलियल सेल डैमेज भी होगा इसमें, या स्वेलिंग हो सकती है उसकी। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस याद रखिएगा साथ में प्रोथ्रोम्बोटिक टेंडेंसी के साथ, ठीक है, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस होगी इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, और प्रोथ्रोम्बोटिक टेंडेंसी होगी, ये सारी इसकी हिस्टोलॉजी हो गई। तो अब इसमें जो हमें क्लिनिकल फीचर मिलते हैं बेसिक डिजीज़ में, ऑक्युलर जो मैनिफेस्टेशन है वो 70% केसेस में होती है, और जो इसमें बहुत ही कॉमन मैनिफेस्टेशन है ऑक्युलर वो होती है पैन यूवियाइटिस और रिटाइनल वास्कुलाइटिस। सबसे पहले है अक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस, इस फिगर को भी देखें,
तो ये ज़्यादातर अक्यूट एंटीरियर यूवेटाइटिस जो हम पढ़ के आए हैं चैप्टर में शुरू में, वो ये बायलेटरली इस कंडीशन में होगी। नॉन ग्रैनुलोमेटिस होगी, याद रखिएगा, टिपिकली ट्रांजिएंट मोबाइल हाइपोपियन के साथ इन अ रिलेटिवली वाइट आई। ये हमें ट्रांजिएंट मोबाइल हाइपोपियन भी मिलता है, ठीक है। ये बेसिक डिजीज़ है जिसमें एंटीरियर यूवेटाइटिस हाइपोपियन के साथ हुआ है। इसके अलावा ओक्यूलर में हमारे पास एंटीरियर के बाद पोस्टीरियर यूवेटाइटिस भी होता है। तो पोस्टीरियर में हम पढ़ के आए कि विट्रस के इन्फ्लामेशन यानी विट्राइटिस हो सकता है, रेटिनाइटिस रिटाइना के इन्फ्लामेशन जिसमें हमें सुपरफिशियली वाइट इन्फिल्ट्रेट नज़र आएंगे, रिटाइनल वास्कुलाइटिस भी हो सकता है वेसल्स की, तो ये असल में एक आर्टराइटिस है, एज वेल एज फ्लेबाइटिस भी है इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्योर वीनस इन्वॉल्वमेंट इन द सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस में हमने डिस्कस किया ना कि इस प्योर सिर्फ वीनस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे रिटाइनल वास्कुलाइटिस में आर्टरीज भी अफेक्ट हो रही है एज वेल एज फ्लेबाइटिस भी हो रहा है, ठीक है। तो इस फिगर में देखिए रिटाइनल वास्कुलाइटिस और हेमरेजिस दिखाया गया है, बेसिक डिजीज़ रिटाइनल वास्कुलाइटिस में हेमरेज भी हो गई और वास्कुलाइटिस भी हुआ है। इसके अलावा पोस्टीरियर यूवेटाइटिस में हमें ओक्लूसिव पेरीफ्लेबाइटिस भी मिलेगा, ठीक है, BRVO CRVO यानी ब्रांच रिटाइनल वेन ओक्लूजन BRVO और या फिर सेंट्रल रिटाइनल वेन ओक्लूजन भी मिल सकती है CRVO, ठीक है। इस तरह का कोई भी ओक्लूसिव पेरीफ्लेबाइटिस हो सकता है। इसके अलावा पोस्टीरियर यूवेटाइटिस में रिटाइनल हेमरेजेस मिलेंगे, वास्कुलर लीकेज हो जाएगा जो कि मैक्यूलर इडीमा करवा देगा, विट्रस हेमरेज हो सकता है, देखिए न्यू वास्कुलराइजेशन भी हो सकती है और ट्रैक्शनल रिटाइनल की डिटैचमेंट हो जाएगी रिटाइना की, ठीक है, ट्रैक्शनल प्रेशर देगी। अब ऑप्टिक डिस्क की हाइपरीमिया और इडीमा, ये भी इसमें कुछ क्लिनिकल जो है ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क की हाइपरीमिया भी हो रही है, हाइपरीमिया और इडीमा भी हो रहा है। एंड स्टेज डिजीज़ कैरेक्टराइज हुई है कि आखिर में उसमें बिल्कुल ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी और रिटाइना की भी रिटाइनल एट्रोफी हो जाती है बेसिक डिजीज़ में, ठीक है, एंड स्टेज में। और ओक्युलर कॉम्प्लिकेशन आपने याद रखनी है कि ये आगे जाके कैटरेक्ट करवाता है, ग्लोकोमा, रिटाइनल डिटैचमेंट हो जाती है और थीसिस, ठीक है, श्रृंखन नॉन फंक्शनल आय हो जाएगी। अब ओक्युलर के बाद सिस्टेमिक फीचर्स क्या मिलते हैं, मॉर्बिडिटी जो है इसमें तकरीबन 5% होती है 5 से 10 सालों के अंदर ड्यू टू द CVS और CNS की कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं इस वजह से मॉर्बिडिटी। अल्सरेशन हमने देखा कि इसमें हो रही है, ओरल भी है, जेनाइटल अल्सरेशन भी। तो अगर हम ये फिगर देखें तो इसमें यहाँ पे दिखाया गया है ओरल अल्सरेशन जो बेसिक डिजीज़ में होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे बी फिगर में भी ये ओरल अल्सरेशन दिखाई गई है, अल्सरेशन एट द टंग, ठीक है। याद रखिएगा इसमें जो है स्किन लेजन जो है 75% होती हैं और उसमें हमें एरिथमेटिक लेजन्स मिलती हैं। ये फिगर देखें, इसमें बेसिक डिजीज़ में स्किन लेजन्स हो गई हैं, एरिथमेटिक लेजन्स होंगी। जॉइंट्स आपने याद रखना है 30% केसेस में इन्वॉल्व होते हैं पेशेंट के, और वास्कुलर लेजन्स भी होती हैं। याद रखिएगा कि आर्टीरियल एन्यूरिज्म, वीनस और आर्टीरियल दोनों एन्यूरिज्म हो सकते हैं जिसमें पल्मोनरी और कोरोनरी होंगे, और वीनस थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आपने याद रखना है कि नोशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और पेशेंट को ब्लडी डायरिया होगा, ठीक है। और CNS में आपको याद रखना है कि मेनिंजो इंसेफलाइटिस, ड्यूरल साइनस थ्रोम्बोसिस और सेरिब्रल एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो सकती है। तो क्या अब इन्वेस्टिगेशन हमने करवानी है इस तरह के पेशेंट्स में, एक तो हमने कहा कि इसकी HLA-B51 के साथ एसोसिएशन है वो हम चेक करेंगे तो बेसिक डिजीज़ कन्फर्म हो जाएगी। इसके अलावा कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर हमें एलिवेटेड मिलेंगे, जैसे ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है, ESR भी इसमें बढ़ा हुआ होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी। इसके अलावा होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक होता है पैथर्जी टेस्ट। पैथर्जी टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे फिगर भी शोन है यहाँ पे, तो ये स्किन हाइपर सेंसिटिविटी ही रिएक्शन होता है जो कि तब होगा जब हम इंसर्ट करेंगे 20 गॉज की नीडल इनटू द डर्मिस ऑफ द फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म की डर्मिस ऑफ द पेशेंट पे हमने इंजेक्ट किया। अब रिएक्शन जो है पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे अगर पेप्यूल या पस्ट्यूल जो है वो बन जाता है एट द साइट ऑफ पंक्चर तकरीबन 24 से 48 आवर्स के अंदर, ये अगर बनता है पेप्यूल या पस्ट्यूल तो ये रिएक्शन पॉजिटिव आया है इसका मतलब। एरिदमा अलोन अगर हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, पेप्यूल या पस्ट्यूल बनना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में हम FFA भी करते हैं, फंडस फ्लोरोसेंस एंजियोग्राफी, ठीक है, फंडस फ्लोरोसेंस एंजियोग्राफी भी की जाती है और ताकि उससे डिलिनेट करेगा इस्केमिक एरियाज को और वास्कुलर लीकेज को भी वो डिलिनेट करेगा, ठीक है। तो अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है बेसिक डिजीज़ का, एक तो इसमें रिकरेंट अगर किसी को बार बार ओरल अल्सरेशंस हो रही है, प्लस अगर उसको इनमें से कोई भी दो चीज़ें हैं पेशेंट को,
तो यानी उसको एक तो बार बार ओरल अल्सरेशन के साथ या तो रिकरेंट जेनाइटल अल्सरेशन है, या तो आई में कोई लेशन है, स्किन लेशन है, या पैथेग्री टेस्ट, पैथर्जी टेस्ट जो है वो उसमें पॉजिटिव आता है। तो कोई भी इनमें से दो फर्दर अगर पॉजिटिव मिलता है तो हम डायग्नोज कर लेंगे कि ये पेशेंट बेसेट डिजीज़ का है। ट्रीट हमने इसको इस तरह के पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट ही मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। टॉपिकली स्टेरॉयड्स दिए जाते हैं, सिस्टेमिकली भी स्टेरॉयड्स और एजाथायोप्रीन, और इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है अगला हमारे पास टॉपिक, विच इज़ ई वॉक्ट कोयानाग्नी कायानागी हराडा डिजीज़, VKH, यानी वॉक्ट कोयानागी हराडा डिजीज़। ठीक है, इतना अजीब सा इसका नाम है, ये क्या होता है? VKH डिजीज़ ही कह दें, ये मल्टी सिस्टेमिक डिजीज़ होती है, ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। ठीक है, मल्टी सिस्टेमिक भी है, ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी भी है। कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें भी ग्रेन्युलोमेटस पैन यूवियाइटिस होगा, साथ में एक्सुडेटिव वाली रिटाइनल डिटैचमेंट होगी, जो कि ऑफन एसोसिएटेड होगी न्यूरोलॉजिक, ऑडिट्री और कुटेनियस मैनिफेस्टेशन के साथ। ठीक है, न्यूरोलॉजिक भी अफेक्ट हो रहा है, ऑडिट्री भी कर रही है और कुटेनियस मैनिफेस्टेशंस भी करवा रही है। तो हुआ क्या है, इसमें ग्रेन्युलोमेटस पैन यूवियाइटिस हुआ है, साथ में एक्सुडेटिव रिटाइनल डिटैचमेंट हुई है। ठीक है, तो अब ये VKH डिजीज़ जो है, इसका मेन एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस में इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक अननोन है, लेकिन सजेस्ट हुआ है कि टी सेल मेडिएटेड ऑटो इम्यून रिएक्शन ही हो जाता है वन या मोर ऑफ द एंटीजेंस के अगेंस्ट एसोसिएटेड विथ मेलानोसाइट, उस तरह के मेलानोसाइट्स के एंटीजेंस के अगेंस्ट, मेलानिन के, और हमारी जो रिटाइनल पिगमेंट एपिथीलियम है उसके अगेंस्ट। तो ये इसमें मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, इन इन एंटीजेंस के अगेंस्ट टी सेल मेडिएटेड ऑटो इम्यून रिएक्शन होगा। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिफ्यूज लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलती है, विथ कलेक्शन ऑफ एपिथिलॉयड सेल्स भी होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स भी मिलते हैं। डेलन फुश नोड्यूल्स, याद रखिएगा, ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेन्युलोमास बिटवीन द रिटाइनल पिगमेंट एपिथीलियम एंड ब्रूश मेम्ब्रेन। ये हमने एनाटॉमी में ब्रूश मेम्ब्रेन भी देखी, ठीक है, कोरोइड में भी होती है, कोरोइड और रिटाइना के दरमियान, और रिटाइनल जो पिगमेंट एपिथीलियम है इन दोनों के दरमियान डेलन फुश नोड्यूल्स बन जाएंगे, ये एक किस्म के ग्रेन्युलोमास बन जाएंगे। ठीक है, ये VKD डिजीज़ में हमें मिलेंगे। अच्छा, इस फिगर में देखें तो ये दिखाए गए हैं डेलन फुश नोड्यूल्स, ठीक है, जो एरोस इसको शो कर रहे हैं, जो हमें इसमें मिलेंगे VKH में। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर्स पे आ जाएं तो VKH का जो है ना, टिपिकली 20 to 50 ईयर्स के दरमियान होती है। पिगमेंटेड जो ग्रुप वाले लोग हैं, जैसे हिस्पैनिक्स, एशियन, नेटिव अमेरिकन, मिडल ईस्टर्न, एशियन इंडियंस, इनको ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि हमने देखा कि पिगमेंट वाली चीज़ों के अगेंस्ट इसमें उन्हीं एंटीजन के अगेंस्ट जो है टी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स हो रहा है। तो इसकी ना अब HLA के साथ भी एसोसिएशन है, एक याद रखिएगा HLA-DR1, दूसरा HLA-DR4। ठीक है, तो वुमेन इसमें याद रखिएगा ज़्यादा अफेक्ट होती है, बनस्पत मैन के 2:1 होता है। क्लासीफाई किया गया है अब VKH को, VKH डिजीज़ को कभी कभार हम क्लासीफाई करते हैं वॉक कोयानागी डिजीज़ और दूसरा हराडा डिजीज़ के अंदर। ठीक है, इन दो में कर दिया। वॉक कोयानागी डिजीज़ में क्या होता है कि हमें स्किन चेंजेस मिलते हैं और एंटीरियर यूवियाइटिस मिलेगा, जबकि हराडा डिजीज़ आपने याद रखना है कि इसमें न्यूरोलॉजिक फीचर्स होंगे और एक्सुडेटिव रिटाइनल डिटैचमेंट हराडा डिजीज़ में हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंस याद रखिएगा। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है VKH डिजीज़ के, कम्प्लीटली हम इसको कहेंगे। तो एक तो जो सीक्वेंस है क्लिनिकल इवेंट्स का VKH में, उसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है इवेंट्स को। ठीक है, क्लिनिकल इवेंट्स को, एक तो इसमें होता है प्रोड्रोमल फेज, दूसरा अक्यूट यूवियाइटिक फेज, देन कन्वेलेसेंस फेज और क्रॉनिक रिकरेंट फेज। सबसे पहले जो प्रोड्रोमल फेज होता है वो आपने याद रखना है कि इसको प्रोड्रोमल फेज में जो सिम्टम्स है ना, वो नॉन स्पेसिफिक एक वायरल इन्फेक्शन की तरह ही लग रहे होते हैं, 3 से 5 दिनों तक ये लास्ट करते हैं। और इसमें जो है न्यूरोलॉजिकली क्या होता है, पेशेंट को हेडेक होगा, नेक स्टिफनेस होगी और फोटोफोबिया होगा उसको, साथ में ऑफन नोशिया और वॉमिटिंग के साथ होगा। ठीक है, क्रेनियल नर्व की पालसेस और ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है आपने याद रखना है इसमें रेयर है लेकिन होंगी। और इसके अलावा ओक्यूलर जो मैनिफेस्टेशन है इस प्रोड्रोमल फेज़ में वो भी होंगी, जिसमें उसको ओक्यूलर पेन होगा, फोटोफोबिया भी होगा पेशेंट को, हाइपरीमिया हो जाएगी उसके कंजक्टिवा की और टीयरिंग होगी। ठीक है, ऑडिटरी में हमें क्या मैनिफेस्टेशंस मिलेंगी, डिसअक्यूजिया यानी कि उसकी हियरिंग जो है कम हो जाएगी, टिनाइटिस होगा और वर्टिगो। ठीक है, ये प्रोड्रोमल फेज़ की है ऑडिटरी मैनिफेस्टेशंस। इसके अलावा डर्मल में आपने याद रखना है स्किन और हेयर जो है ना पेशेंट की बहुत सेंसिटिव हो जाएंगी टू टच, और CSF में जो है हमें बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट प्लियोसाइटोसिस मिलेगा CSF में।
प्लियोसाइटोसिस यानी कि उसका सेल काउंट जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह CSF में, उसको हम कहते हैं प्लियोसाइटोसिस। उसके बाद आ जाए अक्यूट यूवियाइटिक फेज़, जो दूसरा फेज़ होता है इसका। अब ये तकरीबन कुछ दिनों के ही बाद डेवलप करता है और टिपिकली सेवरल हफ़्तों तक ये लास्ट करता है, यूवियाइटिक फेज़। अब इस फेज़ में ये फेज़ हेराल्ड हुआ है बायलेटरल पेन यूवियाइटिस होगा दोनों साइड्स पे पेशेंट को, दोनों आँखों में, जो ब्लरिंग ऑफ विजन कॉज करवाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने याद रखना है बायलेटरल ग्रेन्युलोमेटस एंटीरियर, ठीक है, ग्रेन्युलोमेटस वाला एंटीरियर और मल्टीफोकल पोस्टीरियर यूवियाइटिस हो जाएगा विथ डिफ्यूज कोरोइडल इन्फिल्ट्रेशन डेलन फर्श नोड्यूल्स, जो हमने पीछे डिस्कस की, तो उसके नतीजे में थिकनिंग हो जाएगी हमारे पोस्टीरियर कोरोइड की विद द एलिवेशन ऑफ द पेरीपेपिलरी रिटाइनल कोरोइड लेयर। पेरीपेपिलरी जो रिटाइनल कोरोइड लेयर है वो बिल्कुल एलिवेट हो जाएगी इसकी थिकनिंग की वजह से, पोस्टीरियर कोरोइड की थिकनिंग की वजह से। क्यों थिकनिंग हुई है? क्योंकि वहाँ पर डिफ्यूज कोरोइडल इन्फिल्ट्रेशन हो गई है डेलन फर्श नोड्यूल्स की, ठीक है, और एंटीरियर मल्टीफोकल पोस्टीरियर यूवियाइटिस के साथ। तो इसमें देखिए फिगर में मल्टीपल एक्जुडेटिव रिटाइनल डिटैचमेंट्स यहाँ पे शोन है VKH डिजीज़ में। थर्ड आता है कन्वेलेसेंट फेज़, ये आपने याद रखना है कि ये कुछ ही हफ्तों के बाद ये उसको फॉलो करेगा और इसमें कैरेक्टराइज होगा कि इसमें ग्रेजुअल जो है टिशू की डीपिगमेंटेशन होती जाएगी स्किन की, ठीक है, ग्रेजुअल टिशू डीपिगमेंटेशन स्किन की और लोकलाइज पेशेंट को एलोपेशिया होगा, विटिलाइगो और पोलियोसिस। तो इस फिगर में जो है दिखाया गया है यहाँ पे विटिलाइगो, ठीक है, इस ये डी पिगमेंटेशन हो गई और यहाँ पे जो है VKH डिजीज़ मल्टीपल रिटाइनल डिटैचमेंट के साथ ओक्यूलर कंप्यूटेड टोमोग्राफी पे शोन है रिटाइनल डिटैचमेंट। देन इसके अलावा कन्वेलेसेंट फेज में याद रखिएगा कि डिफ्यूज फंडस की भी डी पिगमेंटेशन हो जाएगी जो रिजेंबल करेगा क्लासिक ऑरेंज रेड डीकलरेशन को, डिसकलरेशन को, ऑरेंज रेड डिसकलरेशन, सनसेट ग्लो फंडस हम इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और रिटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम की क्लंपिंग या माइग्रेशन हो सकती है, यहाँ पे दिखाया गया है रिटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम की डीपिगमेंटेशन और ये इनकी क्लंपिंग हो गई है, ठीक है, ये भी हमें कन्वेलेसेंट फेज़ में मिलता है। और याद रखिएगा कि डीपिगमेंटेड जो लिम्बल लेजन्स हैं उसको हम सुगियुरा साइन कहते हैं, ये भी हमें इसमें मिलता है लिम्बल डीपिगमेंटेशन लेजन, ठीक है, सुगियुरा साइन। अब आता है लास्ट में क्रोनिक रिकरेंट फेज़, ये इसका लास्ट फेज़ होता है। तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट को मार्क्ड होगा कि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेड बाउट्स आ रहे हों।